बेजुबानों से प्यार, क्योंकि मुझे उन बेजुबानों की जुबा समझ आती थी। हाँ था मुझे उन बेजुबानों से प्यार, क्योंकि मुझे उन बेजुबानों का दर्द समझ आता था। भूखे कुत्ते, भेड़िए, ये तो नाम है जानवरों के, इनसे मैं डरती नहीं थी, क्योंकि ये बेजुबान मेरी डर को भांप कर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बस नहीं समझ पाई तो उन भूखे दरिंदे भेड़ियों की जुबान, जो इंसानी रूप में मेरे आगे पीछे घूमते थे, और नहीं कर पाई उनका इलाज, जिन्होंने आज मुझे अपनी हवस का शिकार बना जिंदा जला डाला। निकलेंगे मेरे लिए भी कैंडल मार्च, और लगाई जाएगी मेरे लिए भी इंसाफ की गुहार, क्योंकि आज एक बार फिर देश के सामने मेरे रूप में नई निर्भया खड़ी है। मैं उन देवबंद के दारुलों से भी पूछना चाहती हूँ, जो बात बात पर फतवा जारी करते हैं, जो कभी महिलाएं लिपस्टिक लगा लें तो फतवा जारी कर देंगे, महिलाएं मंदिर चली जाएं तो फतवा जारी कर देंगे, और महिलाएं बाल खुले छोड़ दें तो फतवा जारी कर देंगे, तो ऐसे में जो महिलाओं की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, क्या उनके लिए फतवा जारी नहीं करेंगे? क्या उन्हें ये इस्लाम से खारिज नहीं करेंगे? क्या वो इन्हें शरीयत के हिसाब से सजा नहीं देना चाहेंगे? ये शरीयत के कानून की मांग तो करते हैं, मगर सिर्फ महिलाओं के लिए। जब ट्रिपल तलाक की बात आती है तो शरीयत के कानून की मांग करते हैं, और जब रेपिस्टों को सजा देने की बात आती है तो ये खामोश बैठ जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का खामोश रहना कहीं ना कहीं दरिंदों को संरक्षण देने के बराबर समझा जाएगा, और ये भी उसी में शामिल है, ये भी माना जाएगा। इसलिए मैं दारुल उलूम को फिर से कहूँगी कि वो अपना फतवे की दुकान बंद करें, और कम से कम ऐसे दरिंदों का बहिष्कार करें जो समाज को कलंकित कर रहे हैं, समाज को लज्जित कर रहे हैं। शायद ये आवाज है हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की, जो आज हमारे बीच नहीं है। 27 नवंबर 2019 की वो काली रात जब एक संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। 27 नवंबर को प्रियंका रेड्डी के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म और उन्हें जिंदा जला देने की घटना ने पूरे देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। प्रियंका रेड्डी के साथ हुए हादसे से पूरा देश उबल रहा है। देश के कोने कोने से आक्रोश मार्च निकालकर आरोपियों को सजा देने की मांग की जा रही है। ये तस्वीर वाराणसी की है, जहाँ हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर जिंदा जलाकर मार डालने की घटना से आक्रोशित विशार भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बच्चों ने सुभाष भवन इंद्रेश नगर से लम्ही गेट तक आक्रोश मार्च निकाला। देखिए, ये जन आक्रोश है। जिस तरह से एक बेटी को रेप करके जिंदा जला दिया गया, और ये अभी तक वहाँ के जो हैदराबाद भाईजान है, जो बात बात में भड़कते हैं और संसद में बड़ी बड़ी बात कहते हैं, हैदराबाद के भाईजान को, ओबैसी को मैं खुला चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे हैदराबाद में इस तरह से नीच और पापी दुष्कर्मियों ने एक बेटी को जिंदा जलाया, तुम क्या सो रहे थे उस समय? तुम और तुम्हारे भाई जिस तरह से टिप्पणी करते हो, तो आज मैं कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि अगर इन पापियों को कोई भी संरक्षण देगा, पूरे देश में उसके खिलाफ इसी तरह से आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। 15 दिन के अंदर फांसी चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 15 दिन के अंदर फांसी दे, नहीं तो पूरे देश में इसी तरह का सामाजिक संगठन, पूरे देश में इस तरह का आंदोलन करेगा, और जो भी इसके पक्ष में बोलेगा, और जो इस तरह का भी मानवाधिकार के नाम पे, अभ्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, राक्षसों के अधिकार के नाम पे, अगर उनको संरक्षण या सुरक्षा देने का किसी भी तरह की हरकत की गई हैदराबाद के हुकूमत के द्वारा, तो पूरे देश में इसका परिणाम बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि लोगों के दिल में वो जिंदा जो जलाई गई है लड़की, उसके लिए आक्रोश है। अब वो आक्रोश कब फूटेगा ये ऊपर वाला ही जानता है। महिलाओं और बच्चियों के आक्रोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नारा लगाया, कानून का पाठ अब मत पढ़ाओ, सीधे फांसी पर लटकाओ। ये आवाज दुष्कर्मियों के लिए चेतावनी थी कि अब बेटियां चुप रहने वाली नहीं है। वहीं इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि बेटियों को सिर्फ कानून के भरोसे ही नहीं बचाया जा सकता है, बेटों को भी भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाना चाहिए, ताकि वे हर औरत में अपनी माँ और बहन की छवि देख सकें। वहीं जिन दरिंदों ने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया है, उनको 15 दिनों के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजमीन अंसारी ने कहा कि अपनी बेटियों की अस्मत बचाने के लिए सैतानों को फांसी पर लटकाना जरूरी है। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना भारतवंशी ने कहा कि सभ्य समाज, लोकतंत्र, मानवाधिकार व कानून का डर, ये किताबी बातें लगने लगी।
आखिर हो भी क्यों ना, बेटियां अपने आप को देश में कब सुरक्षित महसूस करेंगी? रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।